उसके पीछे मेजर रीजन लेवल का है जहाँ पी और क्यू का इनवर्स रिलेशन। और फिर हमने टेक्निकलिटीज में जाके डिटेल भी पढ़ा था, लॉ ऑफ ईएमयू, डिफरेंट यूजेस, रियल इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप जैसे पॉइंट्स। लेकिन फिर से देखिएगा, मैंने बोला था जनरली डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, यानी देयर इज पॉसिबिलिटी दैट डिमांड कर्व कैन स्लोप अपवर्ड आल्सो। मींस हम कह रहे हैं बहुत ही लो इनकम ग्रुप वाले पर्सन इनको यूज करते हैं जिनकी इनकम बहुत लो है।
और कि वो सेम डायरेक्शन में मूव होके अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर वो आपके सामने फॉर्म करेगा। ओके, अब हम आते हैं चैप्टर के नेक्स्ट हाफ में जिसमें हम पढ़ेंगे टू मेजर और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। वन इज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, दूसरा शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व। तो सबसे पहले मैं इन दोनों विषय को बता देता हूँ। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व तब होता है जब क्वांटिटी यानी क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस विद प्राइस ऑफ कमोडिटी चेंज, विद प्राइस ऑफ कमोडिटी चेंजेस। यानी मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व की सिचुएशन तब बनेगी जब प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दोनों चेंज हो, जबकि शिफ्ट इन डिमांड कर्व की शर्त क्या है बेटा? तो शिफ्ट इन डिमांड कर्व की सबसे पहली शर्त है क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस, क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस बी प्राइस रिमेन कॉन्स्टेंट। दोनों में देखिएगा शर्त क्या है इंपॉर्टेंट है, यही सबसे बड़ा पैच है पूरे चैप्टर का। यहाँ मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व में बताया कि क्वांटिटी डिमांड चेंज होगी, बट उसके पीछे की वजह क्या है? प्राइस ऑफ कमोडिटी चेंजेस, यानी पीएक्स और क्यूएक्स दोनों चेंज होगा। जबकि शिफ्ट इन डिमांड कर्व की शर्त ये है कि पीएक्स तो क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा और क्यूएक्स में राइज या फॉल आ जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पीएक्स में चेंज होने की वजह से क्यूएक्स चेंज हो रहा है, जबकि इधर पीएक्स के कांस्टेंट रहने में भी क्यूएक्स चेंज हो रहा है। तो अब क्यूएक्स चेंज क्यों हो रहा है? क्यूएक्स इज चेंजिंग ड्यू टू चेंज इन पीआर वाई पी ई एंड वाई और पी। तो देखिएगा दो मेजर टॉपिक है, एक है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व की शर्त ये है कि क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगा और उसके पीछे चेंज होने के पीछे रीजन क्या है? प्राइस ऑफ कमोडिटी चेंज होगी। जबकि शिफ्ट इन डिमांड कर्व की शर्त ये है कि क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगा बट प्राइस रिमेन कांस्टेंट, यानी प्राइस रिमेन कांस्टेंट एंड क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस। अब क्वांटिटी डिमांड चेंज क्यों हो रही है? तो वो चेंज हो रही है कि इनमें से किसी एक रीजन की वजह से, या तो पीआर की वजह से या फिर वाई या टी हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहते हैं। और जब
मेरी प्राइस चल रही थी 4, इस समय क्वांटिटी में मांग रहा हूँ 2। अब मान लीजिए मेरी प्राइस कितनी हो गई 3। अब देखिएगा प्राइस फॉल हुआ है, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहेगा, क्वांटिटी राइज करेगी, मेरी क्वांटिटी राइज हो गई 4, प्राइस फॉल किया बेटा, क्वांटिटी राइज कर दिया। अब जब इसको मैं बेटा ग्राफ पे शो करने जाऊंगा तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ये क्यू, ये पी, ये मेरा 1, 2, 3 एंड 4, ये मेरा 2 एंड 4। तो देखिएगा प्राइस बोर्ड में मैं क्वांटिटी मांग रहा हूं 2, ये मेरा पॉइंट ए, और प्राइस ट्री पे मैं क्वांटिटी मांग रहा हूं 4। ये तो देखिएगा पहले कौन सा पॉइंट बना बेटा, वैसे तो हम ये बोल यही बोलेंगे कि ये डाउनवर्ड स्लोप इन डिमांड कर रहे, लेकिन इसमें पहला पॉइंट कौन सा है, पहले ए बना फिर बी बना, हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं, देखिएगा एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर रहे, प्राइस फॉल करेगी, क्वांटिटी राइज करेगी, और हम सेम डिमांड कर पे ए से बी डाउनवर्ड स्लोप मूव करेंगे, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। अब ये सिचुएशन अगर पलट जाए तो क्या होगा, इस बार प्राइस राइज करेगी और क्वांटिटी फॉल करेगी, 3 पे 4, 4 पे 2। अब देखिएगा आपकी प्राइस क्या कर रही है, राइज कर रही है बेटा, क्वांटिटी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, फॉल कर रही है। तो ये जो क्वांटिटी फॉल हुआ है, ये हुआ है कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड, क्वांटिटी का फॉल होना कॉन्ट्रेक्शन होता है। अब जब इसका डायग्राम बना दें बेटा तो आपका डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा, ये हो गया आपका 1, 2, 3 एंड 4, ये हुआ 2 एंड 4, पहले 3 पे 4 क्वांटिटी मांगी जा रही थी, यानी आपका पहला पॉइंट ये, अब की बार पहला पॉइंट ये बनेगा 3 और 4 का, और आप 4 पे 2 मांगी जा रही है। तो देखिएगा पहले आप ए पॉइंट पे थे, आप बी पे पहुंचे, डिमांड कर्व पे आपने ट्रैवल कैसे किया अपवर्ड, मैं आपको फिर से बोलूं बेटा दोनों ही डायग्राम में डिमांड कर्व तो डाउनवर्ड स्लोपिंग बना है, लेकिन इसमें आप डाउनवर्ड मूवमेंट भी कर रहे थे और इसमें आप अपवर्ड मूवमेंट कर रहे हो, जैसे सीढ़ियां होती है ना, सीढ़ियां एक दूसरे लगी है, कभी आप इसके ऊपर अपवर्ड मूवमेंट करते हो कभी डाउनवर्ड मूवमेंट करते हो, तो सेम वे डिमांड कर्व हमेशा ही डाउनवर्ड बनेगा, लेकिन आप उसके ऊपर मूव कैसे कर रहे हो उससे डिसाइड होगा कि वो एक्सटेंशन का केस है कॉन्ट्रेक्शन का केस है। एक्सटेंशन के केस में प्राइस फॉल करेगा, प्राइस फॉल करने की वजह से आपकी क्वांटिटी राइज करेगी और डाउनवर्ड स्लोप डाउनवर्ड मूवमेंट फिजिकल होगा, जबकि कॉन्ट्रेक्शन के केस में प्राइस राइज करेगा क्वांटिटी फॉल करेगी, इस क्वांटिटी के फॉल करने को हम कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड बोलते हैं, और जब आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो आपको अपवर्ड मूव करते हुए दिखाई देगा, पहले ये पॉइंट बना फिर वो पॉइंट बना है, ये अपवर्ड मूवमेंट का कर्व आपने बनाया है या अपवर्ड मूवमेंट शो किया है। ओके, अब हम शिफ्ट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो शिफ्ट्स की बेटा मैंने पहले ही आपको शर्त बता दी है कि इस दौरान शिफ्ट के दौरान प्राइस कॉन्स्टेंट रहेगी और क्यू में चेंज आएगा, और क्यू में चेंज किन वजहों से आएगा, तो या तो पी आर या वाई या पी या वाई एन ई या फिर एन या फिर वाई डी की वजह से आएगा, और यहाँ की जो दो शर्तें बनती हैं उनका या दो सिचुएशन बनती हैं उनको हम बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड, और दूसरे को हम बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड, पहली सिचुएशन होती है इंक्रीज इन डिमांड, दूसरी होती है डिक्रीज इन डिमांड। इसीलिए बेटा जब ध्यान रखिएगा आपको हमेशा अब यहाँ आप इंक्रीज वर्ड यूज नहीं कर सकते, आपको कहना पड़ेगा एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, और यहाँ आपको करना पड़ेगा कॉन्ट्रेक्शन इन डिमांड। हाँ राइज फॉल यूज कर सकते बट इंक्रीज डिक्रीज मत करना, क्योंकि इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड का मतलब कुछ अलग होता है। अब इंक्रीज इन डिमांड क्या होता है, जब प्राइस कॉन्स्टेंट रहते हुए भी क्वांटिटी राइज कर जाती है, प्राइस कॉन्स्टेंट रहते हुए भी क्वांटिटी राइज कर जाए तो इसको अपन बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड का केस, और ग्राफ में आपको विजिबल होगा एक फॉरवर्ड शिफ्ट, और ग्राफ में डायग्राम किसका बनेगा, फॉरवर्ड शिफ्ट का, जबकि डिक्रीज इन डिमांड के केस में आपके प्राइस के कॉन्स्टेंट होते हुए क्वांटिटी फॉल कर जाती है और ग्राफ में डायग्राम बनता है बेटा बैकवर्ड शिफ्ट का। ओके, इसको समझ लेते हैं न्यूमेरिकल से। मान लीजिए किसी आर्टिकल की प्राइस खूब चल रही है, इसी टू प्राइस पे आप क्वांटिटी पहले 3 मांग रहे थे
परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हमने ऐसा किया था, सेम प्राइसेस के ऊपर इन्फिनिट क्वांटिटी मांगी जा सकती है। हाँ वो केस थोड़ा डिफर है, बट एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है। तो यहाँ देखिए बेटा, प्राइस कांस्टेंट है और इसी प्राइस कांस्टेंट के ऊपर क्वांटिटी क्या कर गई, राइज कर गई। तो अभी जो क्वांटिटी राइज हुई है 3 से 4, इसको हम बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड, इसको हम इंक्रीज इन डिमांड बोलेंगे। जबकि यहाँ पर हमने इसको क्या प्रेजेंट किया था, इसको हमने एक्सटेंशन बोला था इधर जब प्राइस चेंज हुई। ओके डायग्राम पे देख लेते हैं। तो ये हमारा एक्स एंड वाई, ये हमारा क्वांटिटी, ये हमारा प्राइस, ये कांस्टेंट चल रही है बेटा 2, ये मेरा 2 का प्राइस लेवल। इस 2 पे पहले मैं 3 क्वांटिटी मांग रहा था और अब 4 मांग रहा हूं। तो अब देखिएगा, ये इमेजिनरी कर्व जिसके ऊपर मैंने 3 क्वांटिटी मांगी थी, ये इमेजिनरी कर्व जिसके ऊपर मैंने 4 क्वांटिटी मांग रहा था, और मैं पॉइंट ए से बी की तरफ मूव किया फॉरवर्ड शिफ्ट। ये फॉरवर्ड शिफ्ट का एग्जांपल है। यानी हमने क्या किया, टू प्राइस कांस्टेंट थी, पहले 3 क्वांटिटी मांग रहे थे, फिर पहले 3 क्वांटिटी थी, फिर 4 क्वांटिटी हो गई। थोड़ा सा डायग्राम में गलत हो गया, कर देता हूं, अभी से याद नहीं है। तो ये रहा 3 वाला पॉइंट, ये वाला 4 वाला पॉइंट। अब पॉइंट शो करने के बाद हम इमेजिनरी एक डिमांड पर शो करेंगे कि वो डिमांड कर रहा है, सब प्लॉट हुआ होगा। ओके, डिमांड कर हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है बेटा, तो डिमांड कर वैसा प्लॉट हुआ होगा और इधर से इमेजिनरी डिमांड कर ये हुआ होगा प्लॉट। पहले ए पॉइंट आया, फिर बी, ये जो एरो ए से बी की तरफ गया बेटा, ये क्वांटिटी राइज किया, इसको हम फॉरवर्ड शिफ्ट बोलते हैं, हम इधर इंक्रीज डिमांड बोलते हैं। इसी केस को हम पलट दे बेटा, अगर तो ये बी और क्यू प्राइस कॉन्स्टेंट चल रही है, मान लीजिए पहले मैं 4 क्वांटिटी मांग रहा था, अब मैं 3 क्वांटिटी मांग रहा हूँ। तो देखिएगा